आप खुद भी देख चुके हैं या इस पुलिस का महकमा है, हम हैं, लगे हुए हैं कि लोगों को रोक दें, लेकिन लोग इस घरों से निकल आते हैं जिनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तब तक पॉसिबल नहीं है एक लॉकडाउन सक्सेसफुल होना जब तक लोग इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे। और एक साल से आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का ये जो बीमारी है, एक साल से चलती आ रही है। अब लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोगों को आज अवेयरनेस देनी है कि आप घर में बैठिए, आपको SOPs फॉलो करने हैं, आपके लिए ये ज़रूरी है, आपको वैक्सीनेशन करना है, ये चीज़ें फॉलो करें। अब लोग इतने अवेयर हो गए, अब उनको खुद घर में बैठना चाहिए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी यहाँ पर वो बाहर निकल आते हैं किसी बिना किसी जवाब के, वो बाहर आते हैं और यहाँ पर हमें तंग करने आ जाते हैं, मुझे ये रीज़न है, मुझे वो रीज़न है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनको कोई जेन्युइन रीज़न होता नहीं। रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप घरों में बैठिए। ये जो लॉकडाउन, ये पीपल फ्रेंडली लॉकडाउन है। जो अर्लियर स्टेज का लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इससे ज़्यादा था, ये हम समझते हैं, लेकिन इस वक्त पीपल फ्रेंडली लॉकडाउन अप्लाई किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें लोगों को थोड़ा सा सेव भी किया जा रहा है, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और वो अननेसेसरली घरों से बाहर आते हैं। और उसका प्रॉब्लम आप देख चुके हैं, कितना ट्रैफिक इस वक्त यहाँ पर है और कितने ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर, लोग किस तरीके से बाहर आ चुके हैं। तो इसका मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे हैं लोग? कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ये सीरियसली है। दो दिन किया कॉपरेट, कल का दिन बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, आज कॉपरेट नहीं कर रहे। जो उन्हें कॉपरेट करना चाहिए उस हिसाब से कॉपरेट लोगों ने नहीं किया। तो अगर आप एख्तियार की बात करें तो आपको क्या एख्तियार मिले, आपको इनको छोड़ना है कि नहीं? देखिए, इख्तियार की बात आप जो करें, जो हमारे पास पावर्स हैं, देखिए मैंने पहले कहा ये पीपल फ्रेंडली लॉकडाउन है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, बैंकिंग है या एसेंशियल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, वो सारे उनको अलाउड है। इसी तरह दुकानें भी कुछ अलाउड हैं, जैसे कि एसेंशियल मीट है, दूध वाले हैं, सब्जी वाले, उनको अलाउड है, तो उस हिसाब से हम उनको छोड़ देते हैं। अब लोग उसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो रही है। जिसे कोई जवाब भी नहीं है, वो आ रहा है, मुझे जी बैंक में काम है, उठ के गाड़ी निकाल दी, मुझे जी रिलेटिव को देखने आना है, ये कौन सा जवाब हो गया। तो लोग कॉपरेट नहीं करें, जब तक कॉपरेट नहीं करेंगे, या तो वो ये चाहते हैं कि ऐसा लॉकडाउन फिर से हो जाए जो लास्ट ईयर हुआ था, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर शायद सोच रही है कि पीपल फ्रेंडली लॉकडाउन हो, लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो और वो ये लॉकडाउन भी रहे, ये चेन भी टूटे। लेकिन चेन तब टूटेगी जब लोग घर में बैठे।